नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। बीते दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर बयान दिया था। रीवा सांसद के बयान के बाद रीवा सहित विंध्य भर में राजनीतिक पारा चढ़ गया। जगह जगह सांसद के पुतले दहन किए जाने लगे, लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया। वहीं रीवा सांसद ने कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन पर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि मेरा पुतला क्यों जला रहे हो, मुझे ही जला दो। वहीं बीते दिन पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि किसान न्याय यात्रा के दौरान चल रहे कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सांसद पर पलटवार करते हुए विरोध किया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सांसद को अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इसी कड़ी में आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तुगलक बयानबाजी करने वाले सांसद को कैसे अपनी पार्टी में जगह दे रखी है। आइए आपको भी सुनाते हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। देखिए, जिस जनार्दन मिश्रा जी वजी के रीवा के सांसद जी को मैं जानता हूँ, उनकी मैंने जो एक दो काम सुना तो मैंने लैट्रिन में हाथ डालकर ये टॉयलेट क्लीनिंग करते ही देखा है। उनको बताना चाहिए कि लाखों लाख जनता के प्रतिनिधि टॉयलेट में हाथ डालने के लिए नहीं बने, वो तो भ्रष्ट भी काम किया जा सकता है और दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। साल दर साल आप यही एक काम कर रहे हैं। आपको रीवा को आगे ले जाने में आपकी क्या उपयोगिता है? पूरा देश जानता है कि बैसाखी का अगर कोई एकमात्र सांसद है तो वो रीवा से चुने गए जनार्दन मिश्रा जी हैं। और आप ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जिस व्यक्ति ने पूरे रीवा को गौरवान्वित किया है। पार्टी की मर्यादा से आगे बढ़कर उन्होंने विंध्य के प्रत्येक नागरिक का सीना गौरवान्वित किया है। आप उनके चरणों की धूल बराबर नहीं है। आप पार्टी की लहर में चुनाव तो जीत सकते हैं पर आने वाली पीढ़ियां आपको इतने ओछे आचरण के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आदरणीय जनार्दन मिश्रा, जिसके पहले पार्टी आपको बाहर निकाल दे और जनता आपको बहिष्कृत कर दे, आप अपनी भाषा में मर्यादा का अनुपालन करें, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं वो अटल जी और की पार्टी है, जो मर्यादा के लिए जाने जाते थे, जो अपने नैतिक आचरण के लिए जाने जाते थे। तो अपने मनसा वाचा कर्मणा की नीति को अपनाएं और सही आचरण का पालन करें। उन्होंने बोला है कि हमारे पुतले की जगह हमने, देखिए, मानसिक रूप से दिवालियापन की बात है, पुतले जला दे। राजनीति में ना कोई किसी की विचारधाराओं की लड़ाई होती है। आप खुद ओछी बात करते हैं उस पर, अपने आप को कहीं आप अपनी गलती को मानने की जगह आप कहते हैं हमें जला दो, उसे जला दो। कोई किसी को जलाने नहीं जा रहा। सिर्फ जलाने की आवश्यकता है तो आपको अपने कुलसित विचारधारा को जलाने की आवश्यकता है। आप अच्छे भाव से, स्वस्थ भाव से राजनीति करें, हम आपका स्वागत करते हैं। किसने किया मुझे नहीं पता है। श्रीनिवास तिवारी जी यहाँ के सर्वमान नेता थे। उन्होंने जिले के विकास के लिए, विंध्य संभाग के, प्रदेश के विकास के लिए अग्रणी काम किए हैं। अब जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं और शायद वो पैदा भी नहीं हुए थे जिन्होंने ऐसी अनर्गल बयानबाजी की होगी, उनको पता ही नहीं होगा यहाँ जो ये संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना आज हुई है क्या? यहाँ बहुत सारे स्कूल है, महाविद्यालय है, आज ही हो गया क्या? ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस के नेताओं ने बनाया है। भाजपा के नेता तो सिर्फ लुटाई कर रहे हैं और वहीं पैसे का प्रोविजन कर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं।